हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है कि किस समय पर कौन सा विषय और किस क्लास का चलेगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कि फिजिक्स में वैद्युत चालन का न्यूमेरिकल नंबर न्यूमेरिकल का पार्ट दो आज बनाया जा रहा है। शाम 7 से 8 बजे न्यूमेरिकल फिजिक्स चलता है स्टडी नॉलेज चैनल पे, तो आप लोग शाम के सात से आठ बजे तक समय निकाल के हाजिर हो जाया करिए। ठीक, तो कल हम लोग 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हम 5वें क्वेश्चन से चलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक तार में 10^28 इलेक्ट्रॉन मुक्त प्रति मीटर क्यूब में है। मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो प्रति मीटर क्यूब में होने का मतलब क्या, ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। और क्या कर रहा है, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2×10^-3 मीटर स्क्वायर है। यदि इसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर हो तो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए इनके अंदर कैसे इसके क्या छिद्र में घुसते हैं। तो पहले सोल्यूशन क्या होगा, हेडिंग कैसे बनाएंगे लोग, दिया है क्या क्या दिया है, पहले जो पढ़ रहे हैं उसके बाद उसको अंडरलाइन करके उसमें से निकालेंगे क्या दिया है। तो 10^28 मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है एकांक आयतन में, तो ये n की वैल्यू दी हुई है 10^28। ठीक, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किसे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, तो ये a की वैल्यू दी हुई है 2×10^-3 मीटर स्क्वायर। ठीक, यदि इसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर, धारा किसे दिखाते हैं भैया, धारा को दिखाते हैं आई से, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर, तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की गणना कीजिए। मतलब वीडी, अनुगमन वेग को वीडी से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए, पहले देखिए कि आई ए एन और वीडी में क्या रिलेशन होता है, तो आई बराबर होता है एन ई ए वीडी, ये होता है सूत्र। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या मिल गया और क्या चाहिए, यन मिल गया है, ए मिल गया है, आई मिल गया है, वी डी पूछ ही रहा है, और ई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6×10^-19 कूलम। ठीक, तो वी डी की अगर वैल्यू चाहिए तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरे ओवल आर के आई के बटे आ सकता है, तो आई बटे यन ई ए। अब बारी बारी से एकदम वैल्यू रखते हुए चलेंगे और मजे से आंसर निकालते हुए आएंगे। आई क्या है 2 एम्पियर, यन क्या है 10^28 दिया हुआ है, ई की वैल्यू क्या है 1.6×10^-19 कूलाम। ठीक, ये दिया हुआ है 1.6×10^-19 कूलाम, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है 2×10^-3, तो वैल्यू रखेंगे इसको 2×10^-3, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए पहले 10^ को हल कर लेते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1.6 तो आगे आ जाएगा, अब 10^ को कैसे हल करेंगे, तो 10^-3 है, 10^-19 है, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10^-22 अगुणे 10^28, ये है ही। ठीक, तो इसको हल कर लेते हैं लोग आराम से, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 और ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 10^ क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, 28 में 22 गया, 6 + 6 हो जाएगा, तो इसको भेजेंगे ऊपर, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा 10^-6/1.6। चाहे तो 1 का गुणा भी कर सकते हैं, तो कोई मान में अंतर पड़ने वाला तो है नहीं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग मजे से, आप चाहते हैं इस दशमलव को हटाना तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करके दशमलव को हटा सकते हैं, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा 10, 10 एकम 10 हो जाएगा, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव तो लगा देंगे, अगुणे 10^-6 तो है ही। अब 16 का भाग देंगे 10 में, तो देखते हैं भाग देके यहाँ पे 16 से भाग देंगे 10 में, तो दशमलव जाएगा 16×96, 4 उतरा और 1 0 उतार लेंगे, तो 16×32 ये 8 हो गया, फिर 1 0 उतार लेंगे तो 16×5 80, तो हो गया 10.62
5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसको कैलकुलेट करने पे, 0.625 अगुणे 10^-6। अब जाते हैं अनुगमन वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो देखते हैं ये क्वेश्चन भी और अच्छा है, देखिए वो गलती से खुल गया था पेज, ये पहले हम इस सवाल को क्लियर करेंगे छठे नंबर को, बारी बारी से एकदम प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन, पहले पढ़िए। एक बल्ब पर 60 वाट तथा 240 वोल्ट लिखा है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए एकदम सुपर से हीरो बनाने वाले, एकदम जीरो लेवल का सवाल है, बहुत बेस्ट सवाल। पहले देखिए क्या दिया हुआ है, नोटेशन बनाएंगे हम लोग पहले। दिया है क्या क्या दिया भैया, 60 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, ये होता है शक्ति का, पावर का। तो पी से दिखाते हैं, तो पी बराबर क्या दिया हुआ है 60 वाट, और कितने वोल्ट मतलब भी दिया हुआ है वोल्टेज 240 वोल्ट। क्या पूछ रहा है भैया, आर पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो आप जानते हैं पी भी आर में संबंध क्या होता है, सूत्र भी आप जानते होंगे, न जानते हो तो जान जाए, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, या आर को यहां पे भेज देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बटा पी। वी स्क्वायर क्या है, वी की वैल्यू 240 है, तो इसका आपस में दो बार गुणा, 240 गुणे 240 अपॉन पी, पी की वैल्यू क्या भैया 60 है, तो 60 चौका 240, इसमें गुणा करेंगे तो 24 चौका 96, 96 के पिछवाड़े एक जीरो बढ़ा लेंगे तो जाएगा 960 ओम। ठीक, समझ में आ गया होगा। देखिए आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, इतना कर लेंगे तभी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हल कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है तथा प्रेस में बहने वाली धारा 5 एम्पियर है, प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात करिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए एकदम बेसिक लेवल के सब क्वेश्चन है। तो पहले नोटेशन क्या दिया है, पहले क्या क्या दिया है उसको देखते हम लोग। एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है, तो प्रतिरोध को दिखाते किसे हैं आर से, 44 ओम है। ठीक, प्रेस में बहने वाली धारा क्या है 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, ठीक। प्रेस की सामर्थ्य पूछ रहा है, सामर्थ्य माने वही शक्ति, पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कर रहा है। तो आप लोग सूत्र जानते हैं एक, पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर ये फार्मूला होता है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई का 5 बार 2 बार गुणा, तो 5 गुणे 5, आर की वैल्यू क्या है 44, तो हो जाएगा क्या, पहले कर लेंगे 5 गुणे इसका पहले गुणा कर लेंगे, और इजी तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे 5 का, तो 5 × 20, 5 × 20 = 22, फिर पी का गुणा करेंगे तो 5 × 10, 5 × 10 = 11, एक ये 5 × 10, 5 × 10 = 11, एक जीरो इसका बढ़ा लेंगे तो ये हो गया इतना वाट। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत अच्छे अच्छे, ये बोर्ड में पूछने के चांसेस हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, कि एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर धारा तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है, गणना कीजिए चालक ओमी है या अनओमी। दूसरा, चालक का गत्यात्मक प्रतिरोध ज्ञात करिए। दो सवाल है तो पहले पार्ट को हल करेंगे फिर दूसरे पार्ट पे बढ़ेंगे। तो देखिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग, कैसे सोल्यूशन करने वाले हैं, पहले पार्ट का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, चालक ओमी है या अनओमी। तो पहले ओमी और अनओमी का लफड़ा खत्म करते हैं ना, पहले ये ओमी अनओमी होता क्या है। ओमी माने जो ओम के नियम का पालन करता हो, अनओमी माने जो ओम के नियम का पालन न करता हो। तो देखते हैं कैसे लगेगा ये सवाल। तो पहले देखिए, पहले ये दिया है क्या, देखिए दो बार में मैटर दिया हुआ है, एक चालक में 50 वोल्ट है, तो इसको मान लीजिए V1 वोल्टेज क्या दिया है 50 वोल्ट, धारा क्या दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, तो इसको I1 मान लेते हैं, I1 बराबर 2 मिली एम्पियर, तो एम्पियर बनाने के लिए 10^-3 का गुणा कर देंगे। ठीक, इतने एम्पियर
वैसे ही V2 की वैल्यू क्या दी हुई है 60 वोल्ट और I2 की वैल्यू क्या दी हुई है 3 एम्पियर 3 मिली एम्पियर। तो 3 मिली एम्पियर तो क्या करेंगे 3×10^-3 एम्पियर में इसको गुणा कर देंगे, इसका 10^-3 कर गुणा करके इसको एम्पियर में बना लेंगे। अब देखिए बारी बारी से इनके लिए R1 निकालेंगे, इनके लिए R2 निकालेंगे, तो V बराबर IR होता है ठीक। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I1 R1 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू उनको चाहिए तो पहले क्या कर देंगे V1 बटा क्या कर देंगे I1। तो V1 की वैल्यू क्या दी हुई है 50 बटा I1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2×10^-3 तो हो जाएगा 25 और ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 25×10^+3 क्या इतना ओम हो जाएगा ठीक। वैसे ही R2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V2/I2 V2 की वैल्यू 60 I2 की वैल्यू 3×10^-3 60/3×10^-3 ये 20 हो जाएगा 20×10^+3। तो क्या देख रहे हैं R1 R2 के बराबर है, दोनों का प्रतिरोध बराबर है नहीं बराबर है तो क्या लिख देंगे R1 ≠ R2। तो ये क्या है ओम के नियम का पालन कर ही नहीं रहा है, अगर ये दोनों बराबर होता ओम के नियम का पालन होता, लेकिन ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो ये क्या है अनओमीय प्रतिरोध है ठीक। अब अनओमी प्रतिरोध है तो उसको कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध, उसी गत्यात्मक प्रतिरोध की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एक फार्मूला होता है गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर R बराबर होता है V2 - ΔV लिखते हैं ΔV/ΔI उसी को V2 - V1/I2 - I1 करते हैं, जो ना जानते हो जान जाए ठीक। तो V2 की वैल्यू आपने ऊपर देखा 60 है, V1 की वैल्यू 50 है, बटे I2 की वैल्यू क्या देखा 3×10^-3 है, माइनस I1 की वैल्यू क्या था 2×10^-3 है ठीक। अब देखिए ये घटाएंगे तो 10 हो जाएगा और नीचे घटाएंगे क्या होगा, देखिए जब 10^ समान रहेगा तभी घटेगा आपस में, तो 10^ समान है 10^-3 है तो ये घट जाएगा 3×2 = 1 × 10^-3 तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10×10^+3 हो जाएगा। तो एक घात यहाँ पे प्लस तीन यहाँ पे तो 10^+4 क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा ठीक। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए 9वां क्या करा है, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 μΩ/cm है, नाइक्रोम के 8 मीटर लंबे तथा 0.01 सेमी² परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, देखते हैं इसको भी सलूशन करते हैं। इसका सलूशन पहले क्या है दिया है ठीक, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 μΩ/cm है। तो पहले तो ये को आपको पता होना चाहिए कि किसको किससे दिखाते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध है तो इसको दिखाते हैं रो से, रो बराबर क्या दिया हुआ है 100 μΩ/cm तो ये रो की वैल्यू दी है 100 μΩ/semi। नाइक्रोम के 8 मीटर लंबे मतलब लंबाई माने यल 8 मीटर दिया हुआ है ठीक, तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 0.01 तो एरिया है 0.01 सेमी² ठीक, ये दिया हुआ है। तो क्या निकालना है तार का प्रतिरोध कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो पहले देखिए ओम सेंटीमीटर में ना ठीक, तो पहले हम लोग सबको कन्वर्ट कर लेते हैं SI सिस्टम में, जो सेमी में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले ये 100 ये माइक्रो ओम में, तो पहले माइक्रो को भी हल करते हुए चलेंगे, माइक्रो ओम से ओम बनाने के लिए क्या करेंगे 10^-6 का गुणा 10^-6 और सेमी है तो मीटर बनाने के लिए 10^-2 का गुणा करेंगे ठीक। अब देखिए ये 10^2 इसको लिख सकते हैं 10^-6×10^-2 ये +2 ये -2 कैंसिल हो गया पूरा खत्म कहानी। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 10^-6 ओम मीटर ठीक। अब देखिए
यल क्या दिया है, मीटर में दिया है 8 मीटर, तो इसमें तो कुछ खिलवाड़ करना है नहीं यल की वैल्यू में। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.01 सेमी स्क्वायर, तब जाते हैं 10 की घात सेमी स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर का गुणा कर देंगे। अब देखिए और आसान हल करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, भाग देंगे तो यही मान आएगा, अगुणे 10 की घात -4 है ही मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं, 1/10 की घात 2 गुणे 10 की घात -4, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -2 × 10 की घात -4 बराबर 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा कि एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। रो की वैल्यू आई हुई थी 10 की घात -6, यल की वैल्यू आई हुई थी 8, और ए की वैल्यू क्या आई हुई है, ए की वैल्यू आई हुई है 10 की घात -6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा R की वैल्यू 8 ओम। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, R की वैल्यू 8 ओम आ गया है। ठीक, तो जिसको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, कल आपको फिगर वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे, और शाम 7 बजे से 8 बजे तक फिजिक्स चलता है, तो आप लोग समय निकाल के आ जाया करिए। ठीक, धन्यवाद।